नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कीजिए। इस वीडियो में क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड संस्कृत की नवमह पाठ है, यानी कि नौवें पाठ, जिसका नाम है अंगुलीयकम प्राप्तम। इस पाठ के हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक देखें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रस्तुत पाठस्य कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृता, यानी कि प्रस्तुत पाठ की कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है या ली गई है। तो प्रस्तुत पाठस्य कथा अभिज्ञान शाकुंतलम इति ग्रंथात् उद्धृता, यानी कि प्रस्तुत पाठ की कथा अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाम के ग्रंथ से ली गई है। अस्याह कथायाह रचयिता कः, यानी कि इस कथा के रचयिता कौन हैं। तो आपको लिखना है अस्याह कथायाह रचयिता कालिदासः, यानी कि इस कथा के रचयिता कालिदास हैं। धीवरः केन उपायेन परिवारस्य भरणं करोति स्म, यानी कि मछुआरा किस प्रकार या किस उपाय से परिवार का भरण पोषण करता था। तो आपको लिखना है धीवरः मत्स्य विक्रयेण परिवारस्य भरणं करोति स्म, यानी कि मछुआरा मत्स्य विक्रयेण यानी कि मछलियां बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। अगला प्रश्न है, घ धीवरेण किम प्राप्तम, यानी कि मछुआरे ने क्या प्राप्त किया या मछुआरे को क्या मिला। तो आपको लिखना है धीवरेण रत्न शोभितम अंगुलीयकम प्राप्तम, यानी कि मछुआरे को रत्न से जड़ित अंगूठी प्राप्त की। अगला प्रश्न है, शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी कः आसीत, यानी कि शक्रावतार के तीर्थ के निवासी कौन थे। तो उत्तर लिखना है शक्रावतारस्य तीर्थस्य निवासी धीवरः आसीत, यानी कि शक्रावतार तीर्थ के निवासी मछुआरा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितेभ्यः पदेभ्यः भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, यानी कि निम्नलिखित में से पदों को भिन्न प्राकृतिक पद को चुनिए। पहला प्रश्न है बिहस्य भयस्य शक्रावतारस्य कुटुंबस्य, जो प्राकृतिक पद नहीं है वो है बिहस्य। अगला है दत्तः राज्ञः कृतः गृहीतः, तो भिन्न प्राकृतिक पद है राज्ञः। अगला है प्रविशति निःसरति आज्ञापयति जाति ही, तो इसमें जाति ही भिन्न प्राकृतिक पद है। अगला है निवारय कथय आदाय श्रृणुत, इसमें आदाय भिन्न प्राकृतिक पद है। अगला है श्रुत्वा ताडयित्वा पृष्टा कृत्वा पृष्टा, तो इसमें पृष्टा भिन्न प्राकृतिक पद है। अगला प्रश्न है, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि कोष्ठक में उचित पद चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। सुधा डैश धनम आनयति कोशात या कोशेण, तो कोशात यानी कि कोश में से, यानी कि सुधा कोशात धनम आनयति, यानी कि सुधा कोश से धन लाती है। गंगा हिमालयात प्रभवती, तो इसमें गंगा डैश प्रभवती में हिमालयस्य या हिमालयात, हिमालयात का अर्थ होता है हिमालय से, और हिमालयस्य यानी कि हिमालय के, तो गंगा हिमालय से बहती है, तो हम लिखेंगे गंगा हिमालयात प्रभवती। डैश आभूषणम विद्या, यानी कि नरस्य आभूषणम विद्या। डैश जलम निर्मलम अलकनंदयाः अलकनंदया, तो आपको लिखना है अलकनंदायाः जलम निर्मलम, यानी कि अलकनंदा का जल निर्मल है। डैश जनसंख्या नगरम जनसंख्या या नगरस्य जनसंख्या, तो नगरस्य जनसंख्या यानी कि नगर की जनसंख्या। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।